हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरू फ्रॉम AJBS इंटरनेशनल स्कूल चीका। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी एंड एलिंगम डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनामिक इक्वेशन है गिव्स फ्री एनर्जी के लिए, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पर डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, टी टेम्परेचर और डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कि किसी ऑब्जेक्ट में कितनी रैंडमनेस है, किस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल कितने रैंडम में है। फॉर एग्जांपल लिक्विड और गैसेस, तो गैसेस के पार्टिकल ज़्यादा रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, तो गैसेस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। अगर हम इस इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा जी नॉट यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के। आर इज गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ गिवन रिएक्शन। डेल्टा जी नॉट यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है और के पॉजिटिव होता है। डेल्टा जी नॉट नेगेटिव ही होना चाहिए, बिकॉज अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड होती है, इसलिए डेल्टा जी नॉट नेगेटिव ही होना चाहिए। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम अभी मैंने आपको बताया कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो टी डेल्टा एस की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और टी डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज़ होने से डेल्टा जी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप चेंज इन थर्पी की वैल्यू को 1 लेते हो और टी डेल्टा एस की वैल्यू पहले आपके पास 2 थी आपने कंसिडर की, तो डेल्टा जी कितना बनता है 1 - 2 - 1। अब मैंने टी डेल्टा एस की वैल्यू को और इंक्रीज़ कर दिया, 3 कर दिया, तो 1 - 3 - 2, इट मीन्स गैस फ्री एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब कि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होती है। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो उसको भी हम करवा सकते हैं, उस रिएक्शन को भी कर सकते हैं, लेकिन उस रिएक्शन को किसी दूसरी रिएक्शन के साथ कपलिंग में प्रोसीड करना पड़ता है, और दूसरी रिएक्शन हमें ऐसी लेनी होती है जिसका डेल्टा जी नेगेटिव हो। नेक्स्ट इज एलिंगम डायग्राम। हमने गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड फॉर्म वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। ये है आपका ग्राफ, यहाँ पे हमने टेम्परेचर की रेंज ली है, ये 0 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में भी दिया है। यहाँ पे आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी पर फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। हमने एक रिएक्शन कंसीडर की जिसमें हमने मेटल को मेटालिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया है, मेटल प्लस ऑक्सीजन एरो मेटालिक ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म है, और मैंने आपको बताया था कि गैसेस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है सॉलिड और लिक्विड से, इट मीन्स डेल्टा एस नेगेटिव होगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो डेल्टा टी डेल्टा एस की वैल्यू और भी ज़्यादा नेगेटिव होगी, और टी डेल्टा एस अगर नेगेटिव होता तो डेल्टा जी कम नेगेटिव होगा। अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होता है, अगर टी डेल्टा एस नेगेटिव होता है तो डेल्टा जी लेस नेगेटिव होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, बट नॉर्मली होता क्या है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से डेल्टा जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, लेकिन हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ डेल्टा जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स आपका डेल्टा जी की वैल्यू इंक्रीज़ होने के कारण से स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ चेंज तब हो रहा है जब फेस चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस ये जब फेस चेंज हो रहा है जस्ट तभी यहाँ पे थोड़ा चेंज आता है लाइन के अंदर, अदरवाइज ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। जो कर्व के ऊपर स्मॉल सर्कल्स बनाए गए हैं ये मेल्टिंग पॉइंट है मेटल के, ये मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक मेटल के, चाहे वो सॉलिड लिक्विड या गैसेस फेस के अंदर है।
तो इस एलिंगन डायग्राम से हमें पता लग सकता है कि मैटर से मेटालिक ऑक्साइड बनाने के लिए कितनी गिब्सफ्री एनर्जी यूज़ हो रही है। बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। फर्स्ट, काइनेटिक्स ऑफ रिडक्शन। एलिंगन डायग्राम से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेटल से मेटालिक ऑक्साइड बनाने के लिए कितनी गिब्सफ्री एनर्जी चेंज हो रही है और किस मेटालिक ऑक्साइड को हम इजीली रिड्यूस कर सके मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इट मींस मेटालिक ऑक्साइड मिला था, मेटालिक ऑक्साइड को रिड्यूस करके इजीली मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो मेटल को रिड्यूस करके मेटालिक ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एलिंगन डायग्राम से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मेटालिक ऑक्साइड की इजली रिडक्शन होगी या नहीं होगी, बट ये हमें रिएक्शन के काइनेटिक्स के बारे में नहीं बताता कि रिएक्शन फास्ट होती है या स्लो होगी। नेक्स्ट इज रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाई गई है, मेटालिक ऑक्साइड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट एरोमेटल प्लस साइड प्रोडक्ट ए ओ। ये रिएक्शन आपको रिवर्सिबल दिखाई गई है, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड हो तो, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया डेल्टा एस किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट के ऊपर। सॉलिड की डेल्टा एस कम होती है, लिक्विड में एंट्रोपी ज़्यादा होती है, गैसेस की एंट्रोपी उससे भी ज़्यादा होती है। इट मीन्स डेल्टा एस चेंज हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू भी चेंज होगी और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ पायरोमेटलर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है? अब हमें एलिंगन डायग्राम से मेटल से मेटालिक ऑक्साइड बनाने का पता लग गया और हमें ये पता लग गया कि हम किस मेटालिक ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्मेल्टिंग क्या होता है? एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विद कार्बन। मेटालिक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूस कर देते हैं और जिससे कि मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। मेटालिक ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और मेटालिक ऑक्साइड की रिडक्शन, तो आपको क्या मिलेगा? मेटल प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये सिर्फ उन रिएक्शन के लिए पॉसिबल है जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव होता है, लेकिन कुछ रिएक्टिव मेटल का डेल्टा जी पॉजिटिव भी होता है तो उनको किसी स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करने की नीड नहीं होती, इनको डायरेक्ट हीट करके मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर ऑक्साइड, इसको डायरेक्ट हीट करेंगे तो सिल्वर अलग प्लस में ऑक्सीजन गैस रिमूव हो जाएगी। यू हैव टू रीड अप टू टॉपिक एलिंगन डायग्राम एंड थ्योरी ऑफ पायरोमेटलर्जी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस टू मी। थैंक यू।